और दिल्ली में इस साल छठ पूजा को सार्वजनिक जगहों पर मनाने की मनाही है। डीडीएमए ने लोगों से घरों में ही छठ पूजा मनाने की अपील की है। बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के हरिनगर वार्ड की महिलाओं ने मांग की है कि उन्हें सार्वजनिक जगहों में छठ मनाने की इजाजत दी जाए। एसडीएमसी की पूर्व मेयर और बीजेपी पार्षद अनामिका मिथिलेश सिंह ने छठ पूजा के सार्वजनिक आयोजन के बैन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम पूर्वांचल के लोगों का छठ महापर्व है, लेकिन दिल्ली सरकार हमें त्योहार मनाने नहीं देना चाहती। हम नियमों का पालन करने के लिए तैयार हैं। हमारी मांग है कि छठ महापर्व सार्वजनिक तौर पर मनाने की अनुमति दी जाए। बिहार सब छठि करे छे। हमर अनामिका जी एत छठि घाट बनेलके, पेड़ पौधा लगेने छथिन छठे के कारण। हम लोग जे अगर छत पर छठि, पौर साल भी छठि पर छत पर छठि मनेलिए, एहिबेर जे हम छठि मनेबै से इस बार हम लोग एत मनेबै छठि, जेना हेतै तेना मनेबै। किया नहि मनेबै? हम लोग का ई पर्व छियै, बड़का पर्व छियै, आ हम लोग का मनाब नहीं दे छे। नहीं, घर पर नहीं मनाएंगे हम, सारे पब्लिक मिल के हम घाट पर मनाएंगे। क्यों, क्या घर पे मनाने में? क्योंकि घर में अच्छा नहीं लगता है। हम लोग पब्लिक मिल के छठ पूजा मनाया जाता है, बहुत धूम धड़ाका से मना जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है घर में। इनकी तो ये कोरोना के तो लिए घर में मनाया गया, लेकिन हर तरह से कोरोना के हल सरकार निकाल दिए हैं, तो हम पब्लिक मिल के घाट पर मनाएंगे छठ। मैं परेशानी छत पर मनाएंगे तो बहुत परेशानी होगा ना। हाँ। अकेले में कैसे मनाएंगे? हम सब अपना फैमिली के तरह यहाँ रहते हैं, तो सबके साथ मनाएंगे। छठ घाट में छठ मनाना है, कोनो हालत में नहीं। नहीं, हम लोग छठ घाट में छठ पूजा मनाना है। हाँ। इसलिए मेरे पार्षद जी बनाए हुए हैं छठ घाट। हाँ। उसमें हम लोग मनाएंगे और मनाना है। एरिया है। और हमारी जितनी भी आप माँ और बहनें देखते थे, ये कभी बहुत ही गंदे जल में जो है वो पर्व त्यौहार किया करती थी। मेरी एक कल्पना भी थी कि हम सुंदर सुंदर छठ घाट बनाएं और हमारी माता जी और हमारी जितनी भी बहनें हैं वो स्वच्छ जल में स्नान करें। और ये जो है महापर्व, यही वो पर्व है जहाँ पर हम उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य को भी जो क्या करते हैं, अर्घ्य देते हैं। और कहा भी गया कि जैसे क्षिति जल पावल पावक गगन समीरा पंच तत्व, ये पंच जो हमारे तत्व हैं, इनका जो है प्रकृति से संयोग होकर तब ये व्रत जो है, ये हमारी व्रती सब जो है ये छठ पूजा मनाती है। और आप ये बताइए, स्कूल भी अभी धीरे धीरे खुल रही है, हर एक जो है आपको पार्क भी खुल रहा है, हर एक जगह जो है आप जो है सरलीकरण हो रहा है, और ये छठ पूजा से ही आपको जो है ये वैर क्यों है? महिलाओं का कहना है, साफ तौर पर उनका कहना है कि वह जो डीडीएमए का जो नियम बना है कि सार्वजनिक तौर पर जो छठ पूजा का आयोजन नहीं किया जाएगा, उस बात को बिल्कुल भी वो मानना नहीं चाहती, क्योंकि छठ पूजा का आयोजन हमेशा सार्वजनिक तौर पर किया जाता है। और पिछले बार कोरोना की वजह से छठ पूजा लोग घरों में मनाए थे, लेकिन इस बार लोगों का कहना है कि इस बार पूरी तरह से सभी कोरोना के जो भी नियम है उनका पालन करते हुए वे सार्वजनिक तौर पर छठ पूजा का त्यौहार मनाना चाहती है। दिल्ली से हरिकिशोर शाह, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।